अस्सलाम वालेकुम नई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह हो गई है और सुबह सुबह ही आर्यन जो है ना वो रेडी हो चुका है और अभी उसको ना बुक्स पढ़ने हैं। उसको काफ़ी बुक्स पढ़ने का शौक हो चुका है तो उसको ना मैं ऐसे ABCD सिखाती रहती हूँ अभी से। तो गाइस, आज मैंने दो स्टाइल की बिरयानी बनाई, एक वेज एक नॉन वेज। तो ये वाली जो है ना वेज बिरयानी है जो कि थी ओनली पोटैटोज एंड एग, ठीक है। और दूसरी मैंने बिरयानी बनाई ये वाली चिकन बिरयानी जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके। ये सारे हमने दिन के टाइम बनाए थे, अभी जो है ना बस रात का टाइम हो गया तो रात को भी हम यही खाएंगे। तो बिरयानी कुछ इस तरीके से, आज मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया लेकिन बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया। तो ये दो किस्म की बिरयानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और दिन को व्लॉग नहीं कर पाई इसका, तो अभी सोचा थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आज दो स्टाइल की बनाए। ये वाला भी काफ़ी टेस्टी हुआ था एंड दिस वन तो आपको पता ही है, मज़ेदार बिरयानी। मारो आर्यन, कितने मच्छर मार रहा है आर्यन, मच्छर मार के दिखा मम्मा को, मच्छर मारो, कितने मच्छर है, अल्लाह कितने मच्छर है हमारे घर में, मारो मच्छर, ओए अल्लाह शाबाश शाबाश आर्यन, देखिए ओए कितने मच्छर मारोगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग जो है ना रमज़ान से पहले का व्लॉग है तो इसलिए अपलोड रमज़ान में कर रही हूँ, लेकिन रमज़ान से पहले ही रमज़ान की शॉपिंग पे निकल चुके थे हमें, क्योंकि आर्यन के लिए कुछ कपड़े लेने थे फॉर्मल स्टाइल जो होते हैं ना, वो बड़ा दिल कर रहा था मेरा, वो तो काफ़ी टी शर्ट्स वगैरह पहनता रहता है। तो इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट से ट्राई करती हूँ, तो चलो सैंडल वेंडल पहना के उसको घुमा के आएँ। उसकी दादी भी नहीं है ना तो आर्यन बहुत ही लोनली फील करता है घर पर, तो इसलिए बाहर निकल जाए थोड़ा। तो हम लोग आ चुके हैं, एक बांग्लादेशी ब्रांड है आरोंग उस पर, और यहाँ पे काफ़ी कपड़े मिलते हैं लड़कियों के सबके, और मैं तो शॉक्ड हो गई, मुझे लगा कि जगह खाली होगी इसलिए मैं बच्चे को ले जा रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि यार अभी तो रमज़ान भी स्टार्ट नहीं हुआ और अभी से ही लोग ईद की शॉपिंग करने लग गए हैं, इतना क्रेज़ शॉपिंग का, तो मैं भी चलो क्रेज़ में ही आ गई। तो मुझे कुछ ना शर्ट्स वगैरह अच्छे लगे तो कुछ मतलब डिसेंट से मैं ले रही थी, थोड़े मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे यहाँ पर, तो मुझे कुछ इसके सूट्स अच्छे लगे और ये बच्चों के कपड़े हैं तो इमोन ऐसे ही दिखा रहा है कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए। स्लीवलेस तो आर्यन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, चलो आगे उसको लेके जाऊंगी मैं खिलौने के सेक्शन में। तो इधर से मैंने कुछ लिए जो कि मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और इसी के अलावा अभी हम यहाँ पे आए तो हमने कहा कि अरे हमें पता ही नहीं था न्यू बॉर्न बेबीज़ के जो होते हैं ना शू होते हैं सॉफ्ट सॉफ्टी, तो वो यहाँ पर मिलते हैं, तो पता भी नहीं था यार, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो अपना आइडिया नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ होती है, तो बहुत मुश्किल से हम लोग बस इधर उधर से अरेंज करके ऑनलाइन शॉपिंग करके काम चला लेते हैं, तब तो हिम्मत नहीं होती के बाहर जाके शॉपिंग करें। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं किड्स सेक्शन में जहाँ पे कुछ टॉयज़ वगैरह देख लेंगे आर्यन के लिए, और रश काफ़ी थी, मैंने सोचा था उसे नीचे उतार दूँ लेकिन फिर सोचा चलो गोद में ही रहे। और ये इमोन क्या मुर्गी शुर्गी दिखा रहा है, मैंने कहा नहीं यार उसे ये पसंद नहीं आएगा, ये कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल कल ट्रेड फोक स्टाइल फोक आर्ट स्टाइल था ये सारे खिलौने, तो इधर जो है ना जब बड़ा होगा बच्चा ना तब के लिए है, अभी के लिए उसको ये सेंस नहीं होगा कि इसके साथ खेले। और अभी जो है ना मैंने सोचा कि मैं कुछ आर्यन को खिलौना दिखा दूँ, ये खिलौना बहुत ही स्कैरी था यार, डर लग रहा था, मुझे खुद ही देख के डर लग रहा था मैं बच्चे को क्या दूँ, मतलब बहुत ही कैसे बनाया हुआ था पता नहीं। तो अभी जो है ना वो आर्यन अपने आप को सैंडल्स देख रहा है, ये देख रहा है, मुझे ये वाली चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव एंड क्यूट लगी, लड़कियों के लिए खिलौने हैं ये कि ना मतलब घर बनाना जिसे, और कैबिनेट्स, ये देखो कैबिनेट तो हिलता भी है, इसमें तो अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं यार। तो यार क्योंकि बाहर निकली थी तो सोचा कि आर्यन को खिलौनों के शॉप और ले जाऊं किसी और शॉप, तो यहाँ से मैंने उसको ये वाली गन दिलाई और फिर उसको ना व्हील्स ऑन द बस वाली पोएम काफ़ी पसंद है, तो ये वाली व्हील्स ऑन द बस ले ली, इसमें एक डिफरेंट साउंड वाउंड होता है तो ये वाला ले लिया, तो दो चीज़ें ले ली। उसके बाद हम लोग थोड़ा बेकरी विजिट किया, वहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदे, समोसे शमोसे, एक बांग्लादेशी ब्रांड है जहाँ पे काफी सामान मिल जाता है। सबसे पहले मैंने कुछ ब्लैक कलर की शर्ट ली है क्योंकि आर्यन के पास एक भी ब्लैक ड्रेस नहीं है और ब्लैक मेरा फेवरेट है, इमोन का फेवरेट है, तो मुझे लगता है आर्यन भी काफी सूट करेगा, तो मैंने कुछ ऐसे स्टाइल का ना ब्लैक कलर की शर्ट ली है, तो काफी कूल है, थोड़ा सा गर्मियों के हिसाब से कुछ मटेरियल है। और इसी के साथ ही ये वाली पेंट है, तो ये वाली पेंट हाँ पूरी तो आएगी उसको, लेकिन कमर बहुत ज़्यादा ही लग रही है भारी, तो इसको कुछ अच्छा इधर दिया हुआ है ना बच्चों के लिए, अंदर से रबर दिया, इधर से कुछ है टाइट कर सकते हैं हम, ऐसे फोल्ड करके टाइट हो जाएगा। टू जो है ना वो थोड़ा पीच कलर में है, ये चेक वाली शर्ट, और बहुत ही क्यूट क्यूट से कपड़े हैं, मुझे लगता है आर्यन पे बहुत सूट करेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा तो नहीं लग रहा, नहीं बड़ा तो नहीं होना चाहिए, चलो पहना के देखेंगे, उधर ट्रायल रूम था लेकिन ट्राई नहीं किया, तो चलो देखेंगे क्या होता है। पिंकिश पेंट,
तो सेकंड वाला जो है ना पेयर वो ये है कुछ कलर का, ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे कुछ लाइट कलर्स काफी अच्छे लगते हैं तो बच्चों पे काफी सूट करेगा मुझे लगता है। तो एक तो आयरन पे सैचुरेटेड कलर्स भी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे लगता है हल्के हल्के कलर्स भी अच्छे लगते हैं। भाई व्हाइट पेंट विथ ग्रे शर्ट, ये वाला भी काफी क्यूट है, लूज लूज लग रहा है ये, इसके अंदर भी हाँ टाइट करने का तो है, कपड़ा ठीक ही है। और ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना हल्के हल्के से डिजाइन है पैटर्न्स, जो छोटे छोटे फूल बड़े बड़े नहीं, इस वाले में काफी देखो बड़े बड़े फूल है ना, तो ये वाला कुछ डार्क कलर में आ गया थे, ब्राउन कलर की पेंट तो ये है। उसके साथ चार सेट लिए है मैंने, मुझे उस शॉप में ज्यादा ऑप्शंस दिखे नहीं, ये चार ही मुझे सबसे बेस्ट लगे थे तो मैंने चार ही उठा लिए, बाकी जो थे ना वो थोड़े ज्यादा ही कल्चरल स्टाइल थे, कुछ क्या बोलते हैं प्लेन शर्ट थे, फिर ड्राइंग किया हुआ था वो मुझे पसंद नहीं, जैसे प्रिंट्स वाले कपड़े काफी अच्छे लगते हैं तो ये वाले चलो फिलहाल लिए है मैंने। और इसी के साथ ही शाम की जो चाय शाय है वो भी पी लिए। अरे देखो मम्मा, अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे सब, उम्मीद अच्छे होंगे। तो गाइस आज का दिन करते शुरू, आर्यन बेबी जो है ना रेडी हो चुका है, देखो कितना प्यारा प्यारा रेडी हो आज, आर्यन कहाँ जा रहा है इतना प्यारा प्यारा रेडी होके। हाँ आर्यन अपनी बुक देखो ना, माशाल्लाह से आर्यन के लिए बुक लेके आए हम ये, तो ये वाली भी आर्यन को रीड करके हम सुनाते हैं। यहाँ पे स्टोरीज लिखे हुए इस्लामिक स्टोरीज और बच्चों की बुक्स है, तो ये वाले आर्यन की फेवरेट बुक है। गाइस असल में क्या है कि रमजान जो है ना वो आने वाला है, तो रमजान से पहले आर्यन की कुछ सामान वगैरह ग्रोसरी ये वो सब कुछ करके आना है, तो इसलिए सोचा कि आज चलो निकलते हैं, रमजान की भी शॉपिंग होगी हो तो थोड़ा कुछ दिन बाद, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा ही टाइम है, ज्यादा नहीं है। और आज मैंने ये वाला स्कार्फ लिया है इस वाले ड्रेस के साथ, ठीक है, ये भी मैंने न्यू हिजाब लिया था तो मैंने सोचा चलो डिफरेंट कलर थोड़ा ट्राई करते हैं। और उसी के साथ ही इमोन तुम क्या कर रहे हो बाहर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शाम के 5 बजे। तो अभी गाड़ी जो है ना बुला लो बस जल्दी से, अभी अभी निकलेंगे। और नॉर्मली हम लोग बहुत जल्दी निकलते हैं, कोई भी काम से निकलते हैं क्योंकि वापस आते थे ढाका में बहुत सारी ट्रैफिक होती है, लेकिन आज सोचा कि निकल के अभी ही काम करके आए क्योंकि आज मैं दिन को पका रही थी, पुलाव पकाया, एक वेजिटेरियन डिश पकाई, चलो दिखाती हूँ। और आर्यन भी रेडी है, चलो 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 आर्यन अमर जाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो पार्क के जाए। आर्यन की सबसे फेवरेट जगह पता है कौन सी है, पार्क, लेकिन अभी तुम्हें मम्मा पार्क नहीं लेके जा रही, अभी तुम्हारे मम्मा डुड्डू लेके आएगी तुम्हारे लिए, चलो हाथ दो कम, हम देखें आज हमने क्या पकाया है। तो गाइज आज मैंने ना पकाया था ये चिकन पुलाव, जो कि दिन के टाइम खाया था, अभी रात के टाइम भी चल जाएगा। और ये मैंने एक वेजिटेरियन डिश बनाई थी बीन्स के साथ मटर एंड आलू, तो ये दो डिश बनाई आज, बड़का पका के ही थक गई। आर्यन ने अपना खाना तो खा लिया ना, ये देखो आर्यन की वजह से हमने क्या किया, इधर एक कपड़ा बांधा है ताकि कपट ना खोले, इधर दादी को याद करता है, दादी को याद करते हो, दादी आ जाएगी, बाबा आ जाएगी, हाथ दो मम्मा को, हम घूम के आए, चलो तुम्हें घुमा के आऊँ ना, घर बैठे बैठे भी दादी को बहुत याद करता है। पार्क में जाओगे, पार्क में नहीं बाबा, सारा दिन पार्क के पार्क के पार्क के पार्क के पार्क में जाएगा यार। ये वाला स्कार्फ बड़ा हेक्टिक है यार, हर बार मैं चाहती हूँ कि इधर एक कुछ स्कार्फ में आर्क का एक एंगल है ऊपर, लेकिन हमेशा ट्राई करती रहती हूँ और मेरा स्कार्फ जो है ना जब वो टेढ़ा मेढ़ा ही होता रहता है, अब क्या करूँ पता नहीं, फिर से खोल के फिर से पहनूंगी, फिर से ट्राई करूंगी, बहुत ही मुश्किल होता है, ये वाली डिज़ाइन बनती नहीं हो। फाइनली मैंने फिर से ट्राई किया है, दो पिन लगाए हैं ऊपर और अभी जाके ये वाली डिज़ाइन आई, अभी देखते हैं ये वाली डिज़ाइन कब तक चलती है। मैगी तो अभी अभी तुम्हें छत पर दिखाई थी ना, मैगी सारा दिन मैगी देखोगे, चलो मैगी को लेके आएंगे, कुछ ही दिन में हम मैगी को भी घर के अंदर कर देंगे क्योंकि अभी मैगी का टाइम भी आने वाला है घर के अंदर का। और अभी चलो हम लेट्स गो आर्यन, पापा ने बैग सेट कर दिया, सब कुछ ले लिया इसका, पानी की बोतल तो लेनी थी, ये वाली क्यों नहीं ली पानी की बोतल, ये वाली चलो इधर लगा लेते हैं, कहीं इमोन के बैग में कहीं ना कहीं चिपका देते हैं। मैंने आर्यन की एक बुक ले ली है और घर की चाबी और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी मेरा मोबाइल। तो गाइस अभी हम ना अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और आपको पता है आर्यन गाड़ी में आते ही देखो क्या करता है, ये देखो नीचे आके सो गया इधर ही, और अभी इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि इस मार्केट होलसेल मार्केट है तो स्ट्रोलर में ले लेके घूमना पॉसिबल नहीं होगा, तो अभी इमोन तुम इसको उठाओगे पूरे टाइम गोद में। अब इमोन की अभी बारी आ गई क्योंकि मैंने इसको पूरा गाड़ी में सुलाया है, तो ऐसे होती है ना, हार्डवर्क है, लेकिन अभी तो आर्यन चलने लगा है तो हमें थोड़ी इजी हो जाता है, इधर उधर तो नहीं नहीं हाथ से पकड़ के नीचे रख ही सकते हैं, अभी पूरा टाइम गोद में उठाना चाहते हो तो उठाओ, तुम्हारी मर्जी है। आर्यन जो ना अभी भी नींद से उठा, आर्यन यहाँ से ले रहे हैं सामान हमारा, मुझे बैग तो तुम आर्यन का ले रहे हैं, ले लो ले लो, छोटे छोटे दिखाई 450 बोलते ना,
200 दे। खाने की प्लेट्स चिपकाने वाला ये दो कलर है, ठीक है इमोन, और यहाँ पे है एक पीच कलर और एक 50 का था, हमने चलो 20 कम कराया तो 230 का मिल गया है। यहाँ पे बच्चों का क्या निपल्स विपल्स सब कुछ मिलता है। कहाँ है बेबी? तुम ही तो बेबी। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं आर्यन के लिए डाइपर्स, दूध और सेरेलेक्स हो गया। तो अभी ये काफ़ी महंगा हो गया यार, लास्ट टाइम कम था प्राइस है मैम। हाँ प्राइसिंग महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। ये है पूरी होलसेल मार्केट जहाँ पे बहुत लोग आते हैं सामान खरीदने। बैग किस शो हुआ है कितना? अरे कर दिलो ना, 200 का नोट दो। हाँ मेरे पास है, मेरे पास है 200। तो गाइस घर आ चुके हैं ये सारा सामान लेके। और आर्यन ये क्या है मेरे लिए, क्या लेके आया है? इमोन कहाँ से लेके आया? बाहर से खरीदा है? हाँ तुमने लगा है। आर्यन खाएगा पुलाव, तुम्हें देती हूँ। आर्यन खाएगा पुलाव से पोटेटो, आर्यन के फेवरेट पोटेटो है ना, गर्म है। तो आर्यन के लिए मैंने एक प्लेट ली है जिसमें नीचे से कुछ चिपक जाता है ना टेबल में, बच्चों के लिए काफी यूजफुल होती चीजें, तो ये मैं ऑनलाइन ढूंढ रही थी। लेकिन लो लो तुम्हारा है, लो लो। तो ऑनलाइन में ढूंढ रही थी और आज फाइनली मुझे ना मिल गया। तो ऑनलाइन से किससे ज़्यादा अच्छा होता है, जाके खरीदो, देख पाते हो ना कैसी चीज़ें क्या है। तो इसलिए अभी चलो इसको ट्राई करेंगे अच्छे से, टेबल में चिपकता है कि नहीं चिपकता। आर्यन का रूम ये है देखो, आर्यन का रूम है किचन। आर्यन नो नो नो, पापा चाय बना रहे हैं ना, देखो चाय का सामान है सारा। चलो हम जाए, किचन का दरवाजा बंद कर गया है, किचन का दरवाजा लग गया है बंद करने के लिए ना। गाइस अभी अभी माँ से बात की आर्यन ने, आर्यन की दादी से बात की और दादी को देख ही नहीं रहा, इतना नाराज है दादी से। पता है उसको दादी की कॉल है, बाहर जब भी जाते हैं जिसको भी देखता है चश्मा पहना हुआ है तो दादी 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 बोलता रहता है। अभी दादी का कोई लिफ्ट नहीं। हाँ दादी आएगी तो मार देगी तुम्हें। हाँ आया है अभी मेरा मोबाइल उठाने, देखो ना मुंह में कितना बड़ा आलू भरा है, देखो कितना बड़ा आलू मुंह में भरा है। आलू कहाँ गया अभी, जो मैं आलू दिया था मैंने मुंह के अंदर है। बिस्किट को क्या बोलता है? बिस्किट। बिस्किट को क्या बोलता है? बिगिट। बिगिट दो मम्मा, बिगिट दो। बोलो इटकी, बोलो बिस्किट। इटकी आर्यन, व्हाट इज दिस? बिगिट। बिगिट आर्यन फ्रेंच बोलता है, बोलता है बिगिट। फिश, फिश दिखा रहा है। हाँ किचन के दरवाजे में फिश है, सारे फिश है। ऑरेंज फिश को था आर्यन, वेयर इज ऑरेंज फिश? दिस इज ऑरेंज। गुड आर्यन, शाबाश। अभी चाय शाय जो है वो पी ली है और अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ आर्यन के लिए जो एक प्लेट ली है वो काम करती है कि नहीं करती है। और आप पीछे देख रहे हो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली हूँ, उसको भी बाहर निकलना है मेरे पीछे पीछे ही। तो दरवाजा लॉक कर दिया है, इमोन बैठ बैठ कर देखे टीवी, देखने में बहुत ही क्यूट है। बच्चों के सामान सारे ही क्यूट होते हैं, मुझे पीच कलर काफी अच्छा लगा था लेकिन मैंने जस्ट यही ले लिया। सबसे पहले चलो इधर चिपका के देखते हैं, डेफिनेटली खाना इधर नहीं खाएगा आर्यन। नहीं यार इधर चिपका। ओ हाँ हाँ, अरे गुड गुड गुड, चिपक गया। कभी कभी क्या होता है आर्यन छोटे छोटे स्नैक्स खाता रहता है ना, तो इधर रूम से निकल के बार बार चलता रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली प्लेट इधर ही सेट कर दूँ ताकि वो बाहर आए जाए और अपने स्नैक्स जो है ना खाता रहे।수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아